सरस्वती और क्षितिज की शादी शुरू हो गई है, मुहूर्त भी निकला जा रहा है। सत्यकाम अभी तक नहीं आया, मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। हाँ, आ तो जाना चाहिए था, पर अरे बापूजी, माँ, सत्यकाम यही नजदीक ही होगा। बापूजी, आप फोन करके देख लीजिए ना। अरे हाँ। समझ में नहीं आता कि ये गाड़ी खाई में गिरी कैसे। जल्दी जल्दी हॉस्पिटल लेकर जाते, जल्दी। सर, वहां से ये मोबाइल मिला है। बेवकूफ, पता नहीं इन्वेस्टिगेशन में किसी भी चीज को बिना प्रोडक्शन के हाथ नहीं लगाते। सॉरी सर। फिंगरप्रिंट्स का क्या करेंगे, इडियट। हेलो हेलो, सत्यकाम बेटा कहाँ हो तुम? कहाँ रह गए? यहाँ तुम्हारा शादी में सब लोग इंतजार कर रहे हैं, मुहूर्त निकला जा रहा है बेटा। और कितनी देर लगेगी तुम्हें? हेलो हेलो, सबसे पहले तो आप ये बताइए, आप बोल कौन रहे हैं और इस मोबाइल के मालिक के साथ में आपका क्या संबंध है? हेलो सत्यकाम, तुम्हारी आवाज ठीक से नहीं आ रही है, जरा रुको रुको रुको। हेलो हेलो, हाँ हाँ हाँ, आप बोलो। आप कौन बोल रहे हैं और इस मोबाइल के मालिक के साथ में क्या संबंध है आपका? मैं सूर्यकांत गरोड़िया बोल रहा हूँ। इस मोबाइल के मालिक सत्यकाम का होने वाला ससुर। आप कौन साहब बोल रहे हैं? सूर्यकांत जी। सर, मैं इंस्पेक्टर वाघेला बोल रहा हूँ। इंस्पेक्टर, बात क्या है इंस्पेक्टर, सत्यकाम कहाँ है? सर, मैं इस वक्त सिटी रोड से बोल रहा हूँ। सत्यकाम की गाड़ी का सीरियस एक्सीडेंट हुआ है। सत्यकाम नाम है उसका। सूर्यकांत जी, ही इज वेरी सीरियस, प्लीज कम फास्ट टू सिटी हॉस्पिटल। बापूजी, सत्यकाम कहाँ पहुंचा? लक्ष्मी, तुम कहाँ जा रही हो? आई, शादी के जोड़े में कितनी अच्छी लग रही हो तुम। ये मैं कह रही हूँ कि आज तो तुम जी। क्या बात है, क्या कहा सत्यकाम ने? सब कुछ ठीक है ना? आप इतने परेशान क्यों? बताइए ना क्या बात है। सत्यकाम की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। मैं पुलिस से ही बात कर रहा था, उन्होंने हमें तुरंत सिटी हॉस्पिटल बुलाया है। तुम क्या कर रही हो, संभालो अपने आप को। सावित्री, सावित्री लक्ष्मी यही आ रही है, उसे कुछ पता नहीं चलना चाहिए। शांत हो जाओ सावित्री, चुप हो जाओ। तो आओ, तुम मेरे साथ आओ, मेरे साथ आओ। चलो, मैं भी आती हूँ। छोटी माँ, माँ, बापूजी, आप सब इतने उदास क्यों लग रहे हैं? नहीं लक्ष्मी बेटा, हम लोग उदास नहीं हैं, हम तो बहुत खुश हैं बेटा। आज हमारे घर से दो दो बेटियां एक साथ एक ही दिन डोली में बैठकर चली जाएंगी ना, इसलिए इस बात से थोड़ा सा भावुक हो रहे हैं। मैं अभी जाके माँ को समझाती हूँ। देखो लक्ष्मी, मैंने समझा दिया है। मैं अभी आई। मैंने लक्ष्मी,
मुसीबत है, मेरी बेटियों के नसीब में क्यों है? अब जब लक्ष्मी जिंदगी की खुशी के पल गिन रही है तो ये मुसीबत तुम्हारे अपने आप को सावित्री, अपने आप को संभालो सावित्री। अगर तुम ऐसे रोने लगोगी तो लक्ष्मी को कौन संभालेगा? लक्ष्मी को जब सच्चाई के बारे में पता चलेगा उसे संभालना नामुमकिन हो जाएगा। आपने मुझे तो बता दिया, लक्ष्मी को कैसे बताएंगे? मुझे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। जब लक्ष्मी को पता चलेगा तो क्या बीतेगी उसमें? आज खुद की शादी के लिए जब वो नजरें झुकाकर सत्यकाम की राह देख रही है, उस वक्त सत्यकाम के एक्स कैसे संभालेंगे उसे? सावित्री देखो, हमें अपने मन को सख्त करना होगा, सख्त करना होगा अपने मन को। हम लक्ष्मी को टूटने नहीं देंगे, नहीं टूटने देंगे। हम ये बात उसे नहीं बताएंगे, इस सच्चाई को इस वक्त हम लक्ष्मी से छुपाएंगे। सावित्री, हाँ सावित्री, हाँ। माँ, मैं जानती हूँ आप क्यों रो रही हैं। मैं और सरस्वती दीदी अब इस घर को छोड़ के अपने ससुराल चले जाएंगे और आपको हमारी बहुत याद आएगी, इसलिए माँ, गौरी दीदी और दुर्गा दीदी तो है ना, और फिर हम कहीं दूर थोड़ी ना जा रहे। जब भी आपका मन करे आप हमें बुला लीजिएगा, हम आ जाएंगे। आपके दोनों दामाद हमें दौड़ते दौड़ते घर तक छोड़ने के लिए आएंगे। माँ, आप ही ने कहा था ना कि आपकी बेटियों की जिंदगी में खुशियों ने वापस कदम रख दिया है, तो अब आप नहीं रोएंगी? पूछ दीजिए नासियों को माँ और मुस्कुराइए। आपको तो खुश होना चाहिए कि आपको क्षितिज और सत्यकाम जैसे दामाद मिल रहे हैं। माँ, माँ क्या बात है, आप तो बस रोते ही चली जा रही हैं। बापूजी, बापूजी क्या बात है, माँ इस तरह से क्यों रो रही हैं? कुछ तो बताइए ना। माँ, माँ बापूजी क्या बात है, कुछ तो बताइए, आप लोग मुझसे क्या छुपा रहे हैं बताइए। मैं आप दोनों को इस तरह से नहीं देख सकती हूँ बापूजी। माँ, आप लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हैं बापूजी। माँ, आपको मेरी कसम है, बताइए, बताइए ना माँ, बापूजी। लक्ष्मी, बताइए बापूजी। हमें तुरंत सिटी हॉस्पिटल बुलाया है सत्यकाम का। सत्यकाम? क्या हुआ सत्यकाम को? बेटी, सत्यकाम का एक्सीडेंट हो गया है, उसकी हालत बहुत सीरियस।
जो होना था वो हो गया है। तुम्हें हिम्मत रखनी होगी लक्ष्मी। लक्ष्मी, लक्ष्मी मेरी तरफ देखो। लक्ष्मी कुछ बोलो, हिम्मत रखो। हमें जल्द से जल्द हॉस्पिटल चलना चाहिए। हाँ बेटी। लक्ष्मी हिम्मत रखो बेटा। लक्ष्मी छोटी मैं सही कह रही है, चलो। हाँ लक्ष्मी, सत्यकाम हॉस्पिटल में है, उसका ट्रीटमेंट हो रहा होगा ना। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। लक्ष्मी कुछ तो बोलो। लक्ष्मी, लक्ष्मी। हाँ लक्ष्मी, यूं बुद्ध बनकर खड़ी मत रहो बेटी। कन्या को मंगलसूत्र पहने। हे भगवान, ये कैसा धर्म संकट है। घर में शादी है, इतने सारे मेहमान आए हैं और मैं मेहमान से क्या कहूंगा, क्या करूं मैं भगवान, क्या करूं। कन्यादान की विधि के लिए कन्या के माता पिता को बुलाइए। यहां होने के बजाय ये सूर्यकांत सावित्री मेनका कहां चले गए। मैं देख कर आता हूँ। नहीं तुम रहने दो। हरी। हाँ जी माँ। सूर्यकांत को देखो, उसको बुलाओ यहाँ। जी। अरे सूर्यकांत भाई, आप यहाँ क्या कर रहे हैं। पंडित जी आपको और सावित्री भाभी को कन्यादान की विधि के लिए बुला रहे हैं। आपके बगैर विधि रुकी हुई है। आप चलिए, हम आते हैं। जी इन हालात में ये शादी नहीं हो सकती। मुझे ये शादी रोकनी ही होगी। पप्पूजी, शादी को मत रोकिए। बापूजी, मेरी वजह से सरस्वती दीदी की शादी मत रोकिए। मैंने और सत्य काम ने सरस्वती दीदी से ये वादा किया था कि हम दोनों मिलके उनकी खुशियां वापस लौटाएंगे। आज
आज मैं और सत्यकाम दीदी की शादी में रुकावट नहीं बन सकते बापूजी, नहीं बन सकते। बापूजी हम हंसते हंसते जाएंगे बापूजी। सो पूछ दीजिए, हंसते हंसते दीदी का कन्यादान कर दीजिए माँ। दीदी को इस बात की भनक तक नहीं पड़नी चाहिए कि सत्यकाम का एक्सीडेंट हो गया माँ।